अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की देश में सिर्फ दो राज्यों में अपने दम पर सरकार है। इन दो राज्यों में से एक राज्य राजस्थान है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस बुरी तरह आंतरिक कलह से जूझ रही है। हालत यह है कि एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने हैं। दरअसल जब से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के पास अपना इस्तीफा होने की बात कही है, तभी से राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। अब ताजा खबर यह है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। खबरों के अनुसार सचिन पायलट ने पिछले दिनों गांधी परिवार के साथ 3 बैठकें की हैं। बताया जाता है कि इस दौरान पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से साफ साफ कह दिया कि राजस्थान में तुरंत सीएम बदला जाए, नहीं तो राजस्थान में भी पंजाब जैसी स्थिति हो जाएगी। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पायलट का खुलकर गहलोत के खिलाफ आना यह दिखाता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में सचिन पायलट ने नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से साफ शब्दों में कह दिया कि यदि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करनी है तो मुख्यमंत्री बदला जाए। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से 10 जनपद में मुलाकात के दौरान कहा, अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री को जल्द नहीं बदला गया तो सत्ता में वापसी मुश्किल है। पायलट ने आगे कहा कि पंजाब में अंतिम वक्त में सीएम बदला गया, जिससे कांग्रेस को हार मिली। वैसे यह बात भी दीगर है कि पायलट से पहले सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को नई दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन असल हंगामा तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले ही सीएम गहलोत ने अपने जयपुर के कार्यक्रम में कह दिया कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है। अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में राजस्व सेवा परिषद के एक कार्यक्रम में बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा था कि मेरा इस्तीफा तो 1998 से परमानेंट सोनिया गांधी के पास है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी या काम रातों रात हो जाएगा, इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। गहलोत के इस बयान के बाद से ही पायलट ग्रुप गहलोत पर हमलावर है। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत तक होने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।